हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फारसी के बहुत बड़े आदमी थे, गुजरे हैं, उनकी भी शादी हो चुकी थी। शादी होने से पहले आप आप नहीं पढ़े थे कहीं, और जब बीवी से ऐसी झगड़ा या कुछ और अंतर हो गई तो आप जो है नहीं इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने यानी हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि आज मदारिस में उनके लिखे हुए दो फारसी के किताबें दर्स में पढ़ाए जाते हैं, गुलिस्तान और मुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी शौक ऐसा बड़ा था कि वो नामवर हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हजरत वहीद अहमद एडवोकेट साहब ने भी वही जो है अल्लाह इनके इल्म में बरकत दे, और साथ ही साथ और अगर आप फजीलत के अलावा आगे और भी अगर पढ़ने चाह रहे हैं तो अल्लाह उनकी जिद्दोजहद को कामयाब करे, उनकी मेहनत को कामयाब करे, उरूज अता फरमाए। ये जो इल्म है ना, ये इल्म बड़ी काम की चीज़ है, ये तो दुनिया में भी काम आने वाली चीज़ है और आखिरत में भी काम आने वाली चीज़ है। इसके लिए तो उम्र के हर हिस्से में हर एक को मेहनत करनी चाहिए। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद में जाने तक। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह वहीद अहमद एडवोकेट साहब इस हदीस पर अमल करते हुए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश का सबरा आपको जो है नहीं मिल ही रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब वहीद अहमद एडवोकेट साहब की तरक्की अता फरमाए, और साथ ही साथ और भी इल्म इन्हें अता फरमाए, इतना इल्म अता फरमाए कि दुनिया इनके इल्म पर नाज करे। हमारी दुआ है, दिल की गहराइयों से इनके लिए ये दुआ है। बात दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब वहीद अहमद एडवोकेट साहब को मैं यहाँ पर आने की दावत दे रहा हूँ, आप आइए, और हमारे सदर साहब अब्दुल हफीज साहब आपकी गुलपोशी करेंगे और आपकी दस्तावेज।